पूरे प्रदेश के डॉक्टरों ने आज काले बिले लगाकर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश चिकित्सक संघ का कहना है कि पीजी कर रहे 250 के करीब डॉक्टरों का वेतन रोकना, जो कि उनके परिजनों के जीवन यापन का एकमात्र जरिया था, एक अमानवीय और तानाशाही कृत्य है, जिसका पूरे प्रदेश के डॉक्टरों ने मिलकर विरोध करने का मन बना लिया है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर हिमाचल के डॉक्टरों ने कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हासिल कर साबित कर दिया है कि हिमाचल में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है, लेकिन लगता है कि ये आगे संभव ना हो पाएगा। जिस तरह का तानाशाही रवैया अब डॉक्टरों के साथ अपनाया जा रहा है, संघ का कहना है कि मानवीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करके सरकार को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द विशेषज्ञों और खाली डॉक्टरों के पदों को भरा जाए, लेकिन सरकार तो होनहार डॉक्टरों के विशेषज्ञता हासिल करने के रास्ते मुश्किल करती जा रही है। संघ ने कहा कि पीजी पॉलिसी हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर हो, जहाँ केवल ब्रांड सिस्टम है और ना कि डॉक्टरों पर आर्थिक बोझ डाला जाता है। एक तरफ बैंक गारंटी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ डॉक्टरों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है, उनको रेगुलर नियुक्त नहीं किया जा रहा है, जिससे उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब रेगुलर नियमित नहीं हो रही है तो बैंक गारंटी किस बात की। संघ ने सरकार से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द पीजी पर कर रहे डॉक्टरों का बेहतर रिलीज किया जाए और पीजी पॉलिसी ठीक की जाए और बाकी मुद्दों पर भी चर्चा कर सुलझाया जाए। एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज ने कहा कि पीजी पॉलिसी में बदलाव न किए जाने पर डॉक्टरों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि पीजी पॉलिसी हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर हो, जहां केवल ब्रांड सिस्टम है, ना कि डॉक्टरों पर आर्थिक बोझ डाला जाए। उन्होंने सरकार को चेताया है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मुख्य उद्देश्य है कि हम सरकार को जताना चाहते हैं कि जो हमारे पीजी पॉलिसी है, जिसका 15 नवंबर 2018 में एक हमारे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और एचएमओ के बाकी मेंबर्स के सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये डिसाइड किया था कि नई पीजी पॉलिसी के तहत जो है वो जो जो बदलाव लाए जाएं, कि जैसे जो बॉन्ड भरने की बात है या फिर एडवांस चेक लेने की बात जो सरकार कर रही है, जो इन सर्विस लोग हमारे पीजी में सिलेक्ट होते हैं, तो उन लोगों से जो है वो एडवांस चेक की मांग की जा रही है। अब कई लोग गरीब घरों के हैं तो वो पैसा जो जमा नहीं करवा सकते हैं, एडवांस चेक नहीं दे सकते, तो क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? तो उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और हमारे डॉक्टर्स की कईयों की तनख्वाह जो है बंद कर दी गई है, कि वो अपना जब सिलेक्शन होती है तो वहाँ पे अपना बॉन्ड नहीं वो नहीं कर रहे हैं, चेक नहीं दे पा रहे हैं, जब बैंक गारंटी उनसे मांगी जा रही है। अब कई बहुत ही गरीब घर के लोग जाते हैं तो बैंक गारंटी कहाँ से दें, उनके नाम पर जमीन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। फिर उसके तहत जो है वो इससे बदलाव लाने के लिए एक पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने के लिए बात कही गई थी, तो बताया था कि ये जल्दी लागू कर देंगे, मार्च तक या फरवरी तक लागू कर देंगे, पर अभी तक इस पर कोई भी एक्शन जो नहीं लिया गया है। तो इसलिए इसके विरोध में जो है सांकेतिक हड़ताल पूरे हिमाचल पे एचएमओ के ने निर्देश दिए हैं कि हम सारे काले बिल्ले लगा के जो है वो उसकी सांकेतिक हड़ताल करें। जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएंगी तब तक हम सांकेतिक हड़ताल करते रहेंगे काले बिल्ले लगाकर, पर उसके बाद नहीं मांगी जाएगी तो हम पेन डाउन स्ट्राइक के बारे में सोच सकते हैं, या कुछ सरकार जो हमारी बात नहीं मानती तो हम इसका बैठक में निर्णय करेंगे कि हमें आगे और क्या स्ट्रेटजी बनानी है। एचएमओ के प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने कहा कि आजकल स्वाइन फ्लू बहुत बढ़ गया है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द डॉक्टरों के खाली पदों को भरा जाए। एक मेन उद्देश्य तो है कि जो सरकार ने 31 तारीख को कुछ भी जनवरी में कुछ अपॉइंटमेंट्स की थी, कुछ दिसंबर में भी की थी, तो उसके बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं हम, और नए डॉक्टर्स इस तरह से फील्ड में नहीं आ पाए हैं। तो फिर आजकल वैसे भी कुछ बीमारियां जैसे स्वाइन फ्लू का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको अगर अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर तो मौतें और बढ़ेंगी इस खतरनाक बीमारी से। तो एक तो हमारी सरकार से मांग है कि उनकी जल्दी अपॉइंटमेंट की जाए। दूसरा हमारा एक पीजी पॉलिसी को लेकर था कि जो एक काफ़ी बैंक गारंटी जो काफ़ी एक हाई अमाउंट मांगा गया था प्रशिक्षु लोगों से कि 10-15 लाख उनको जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद ही उनको एडमिशन दी जाएगी, और जो छात्र जो गरीब बेचारे जो ऐसे नहीं कर पाए हैं उनकी सरकार ने पे बंद कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि उनकी पे को जल्दी से रिवोक किया जाए, और उसलिए हमने सांकेतिक ये काले बिल्ले लगाए हैं ताकि
आगे हम इसको और इंटेंसिफाई कर पाएँ इस टेर को अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। बेसिकली तो यही है जी, और यही चाहेंगे कि सरकार हमारी जल्दी से मांगे माने, और आगे हम आशावंतित है कि सरकार कुछ करेगी।